की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो हम डिजाइनर स्लीव्स बनाने वाले हैं उसके डायरेक्ट हम कपड़े पर कटिंग नहीं कर सकते, इसलिए हमको पहले पेपर पर कटिंग करनी होगी। तो सबसे पहले हम पेपर को साइड से डबल फोल्ड कर लेंगे। अब हम इस पर जो हमारे स्लीव्स का मेजरमेंट है वो बता देती हूँ मैं आपको। जो हमारे स्लीव्स की लेंथ है वह है 10 इंच, लंबाई रखनी है हमको 10 इंच। उसके बाद जो हमारे स्लीव्स की फिटिंग है ना, यह एल्बो तक रहेगी है स्लीव्स, क्योंकि 10 इंच लंबी है तो यहाँ पर एल्बो के यहाँ की फिटिंग है हमारी 5 इंच, है ना। उसके बाद जो हमारी एक फिटिंग का नाप लेना है आपको, वह है हमारी शॉर्ट स्लीव्स फिटिंग। मतलब कि अगर हम जिनका ये ब्लाउज है ना, उनके तो अभी हम 10 इंच लंबाई की स्लीव्स बना रहे हैं, लेकिन हमको 10 इंच की फिटिंग का नाप तो लेना ही है जो यहाँ का आएगा, यहाँ तक हमारे हाथ का फिटिंग का नाप आएगा। उसके बाद हमको है ना एक शॉर्ट स्लीव्स फिटिंग, उनके छोटी जो 3 से 3.5 इंच की आस्तीन रहती है ना, उसकी फिटिंग का नाप क्या है वह भी लेना है आपको। तो उनके शॉर्ट स्लीव्स फिटिंग का नाप है 5.5 इंच, क्योंकि हम जब स्लीव्स में फिटिंग डालेंगे तब इस नाप की जरूरत भी पड़ेगी हमको, तभी ये स्लीव्स फिटिंग में अच्छे से बैठेगी और कटिंग में भी हमको इस नाप की जरूरत पड़ेगी। इसलिए हमने 3 नाप लिए हैं। सबसे पहले तो एक लिया है स्लीव्स की लंबाई, उसके बाद जो हमारी एल्बो तक की फिटिंग स्लीव्स की, और एक शॉर्ट स्लीव्स फिटिंग, छोटी आस्तीन रहती है ना 3 से 3.5 इंच की, वहां की फिटिंग, ठीक है। तो हमारी लेंथ है 10 इंच, 10 में 1+ कर देंगे हम, तो 11 इंच पर हम स्लीव्स की लेंथ की मार्किंग करेंगे। 1 इंच प्लस क्यों किया है, क्योंकि 1/2 इंच तो हमारा नीचे फोल्डिंग में जाएगा, और 1/2 इंच जब हम स्लीव्स को ब्लाउज के साथ ज्वाइंट करेंगे ना यहाँ पर, तो 1/2 इंच यहाँ पर सिलाई में जाएगा। आपके जो भी लंबाई रखनी हो स्लीव्स की, आप उसमें 1 इंच प्लस कर दीजिए। अब यहाँ पर हम सीधी लाइन करेंगे। अब यहाँ पर लगाएंगे हम स्लीव्स की फिटिंग का, जो हमारे एल्बो के यहाँ की फिटिंग का नाप है ना, वह लगाना है यहाँ पर। तो हमारे फिटिंग का नाप है 5 इंच, और यहाँ से हम 2 इंच पर मार्जिन का निशान लगा देंगे। अब हमको एक निशान लगाना है शॉर्ट स्लीव्स फिटिंग का, तो हम वह निशान लगाएंगे 3.5 इंच पर। ऊपर से हमने यहाँ पर 3.5 इंच पर निशान लगा लिया है, और यहाँ से हम जो शॉर्ट स्लीव्स फिटिंग है हमारी वो है 5.5 इंच। तो हमने यहाँ से एक निशान लगा दिया 5.5 इंच पर, और एक निशान और लगाएंगे यहाँ से हम 2 इंच की मार्जिन का, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो दोनों निशान है ना, इनके बीच में स्केल को इस टाइप से रखेंगे। इन दोनों निशानों के बीच में हम स्केल को रख दिया है, और ऊपर से एक सीधी लाइन कर लेंगे। अब इस सीधी लाइन के ऊपर हमको एक निशान लगाना है 3 इंच पर। 3 इंच पर निशान लगाने के बाद इस निशान को आप इस टाइप से सीधा कर लीजिए। अब हम यहां से एक निशान लगाएंगे 2 इंच पर इस टाइप से। अब हम क्या करेंगे, एक निशान हम इस जगह पे लगाएंगे 2.5 इंच पे। 2.5 इंच पर निशान लगाने के बाद ये वाला जो निशान है ना हमारा, यहां पर हम इसको स्केल से इस वाले निशान से मिला देंगे ऐसे, और यहां पर हम हल्की सी देंगे गोलाई स्लीव्स का शेप, ठीक है। तो यहां से हमारे 2 निशान लगे हुए हैं। ये फर्स्ट वाला निशान है, यह हमको जो ये फर्स्ट वाला फिटिंग का निशान है ना, यहां से मिलाना है, और ये सेकंड वाला निशान जो बाहर वाली फिटिंग का निशान है, उधर से मिलाना है, ठीक है। और अब यहां से भी हमको है ना, ये जो सीधा जा रहा है ना, ये लाइन सीधी, तो हमको इसको सीधा नहीं रखना है, यहां से हल्का सा इस टाइप से गोलाई दे देनी है नीचे की साइड में। तो ये हमारे स्लीव्स की मार्किंग होगी। जो हमारा ब्लाउज है ना, उसका बैक पार्ट लेंगे, और बैक पार्ट पर हम इस स्लीव्स को रखकर देख लेंगे, क्योंकि ये जो हमारे स्लीव्स की गोलाई है वह हमारी जो आर्महोल की गोलाई के बराबर होनी चाहिए। अगर कम या ज्यादा हुई तो हमको स्टिचिंग करते हुए टाइम दिक्कत आएगी, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है शोल्डर ज्वाइंट कर रखा है, और ये जो शोल्डर की सिलाई है ना, वहां पर हम बैक पार्ट की सिलाई को इस टाइप से रखेंगे, आस्तीन के ऊपर जो आस्तीन का पेक भाग है ना, वहां पर रखना है हमको इस टाइप से, और हम इसको नाप कर देख लेंगे। तो देखिए हमारे फिटिंग का निशान बिल्कुल फिटिंग के यहाँ पर आ रहा है,
और जो कटिंग का निशान है वह कटिंग के यहाँ पर पूरी हमारी गोलाई ना तो एक पॉइंट कम है इस आस्तीन ना ही एक पॉइंट ज्यादा है, तो हमको इस आस्तीन की कटिंग कर ले। हमारे तो कंप्लीट हो गया स्लीव्स का नाप, बिल्कुल नाप कर भी देख लिया है, कुछ भी दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन अगर आपकी यह स्लीव्स जैसे यहाँ पर रख के देखिए आप, है ना, आपने बराबर रख के देखा और आपकी यह स्लीव्स इस टाइप से बढ़ रही है, ऐसे बढ़ रही है बाहर, और ये जो हमारे ब्लाउज की फिटिंग यही तक आ रही है, तो फिर इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि ये जो निशान लगाया है ना हमने, इस निशान को हाफ इंच इतना इधर की साइड लगाना है और ये वाले निशान को भी हाफ इंच इतना इधर लगाना है, बाकी कुछ भी चेंजेस नहीं करना है और यहाँ से इसको मिलाना है और यही तक रख लेना है, ठीक है ना, इतना करना है। और अगर आपके ये है ना आस्तीन छोटी बढ़ रही है, अगर आपने यहाँ पर बराबर रख के देखा और आपके आस्तीन तो ये आर्म होल तो बढ़ रहा है और आस्तीन कम है, तो फिर इसी कंडीशन में आपको क्या करना है कि जो हमने ये वाला निशान लगाया ना इसको हाफ इंच इधर बढ़ा के निशान लगाना है, और ये बाहर और ये वाला है तो अगर हम ये बढ़ाएंगे तो इसको भी बढ़ाना पड़ेगा हाफ इंच और ऑटोमेटिक आस्तीन की गोलाई भी बढ़ जाएगी। तो आप ये दो काम कर लीजिए अगर आपके कम या ज्यादा हो रहा है तो। वैसे भी आप इस टाइप से निशान लगाओगे तो अगर आप 34 साइज के ब्लाउज में निशान लगाओगे तो आपके लगभग कंप्लीट हो जाएगा, एक दो पॉइंट अगर कम ज्यादा हुआ तो आप उसको ऐसे भी बढ़ा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम इस स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। फोर इंच पर एक निशान लगाना है, ठीक है ना, फोर इंच पर निशान लगाना है, डिजाइनर स्लीव्स बनाएंगे हम तो आप इस टाइप से फोर इंच पर निशान लगाइए और यहाँ पर एक सीधी लाइन कर लीजिए। सीधी लाइन करने के बाद हम यहाँ से इसको कट कर देंगे, ठीक है ना, नीचे की साइड से फोर इंच पर निशान लगाया है सीधा और कट कर लिया, तो हमारे स्लीव्स के दो शेप रेडी हो गए हैं। ये जो ऊपर वाला शेप है ना इसकी एक साइड हम स्लीव्स में छटाई भी दे देंगे। छटाई देने के लिए आपको एक इंच पर निशान लगाना है और यहाँ से जो हमारा फिटिंग का निशान है ना अंदर वाला यहीं तक देनी है आपको छटाई, तो यहाँ से हम हल्का सा एक पत्ती सा शेप बना देंगे इस टाइप से और यहाँ से फिटिंग के निशान से मिला देंगे, ठीक है ना। ये स्लीव्स में छटाई देनी बहुत जरूरी है, आगे की साइड में रहेगी छटाई तभी ब्लाउज फिटिंग में बैठेगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर ये जो हमारी छटाई देंगे इसके बीच की चौड़ाई लगभग पौने एक इंच इतनी होनी चाहिए और यहाँ से हमको एक इंच इतना छोड़ना है, उसके बाद छटाई का निशान स्टार्ट करना है और यहाँ से हमको फिटिंग तक लगाना है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ तक लगा दो इस निशान को, बस हमको जो ये फिटिंग वाला निशान है ना यहीं तक ही लगाना है। अब हम इसको खोलकर एक साइड कट कर लेंगे क्योंकि छटाई हमारे पास आगे के भाग में दी जाती है, पीछे के भाग में छटाई नहीं आएगी। तो हमने ये पत्ती शेप बनाकर छटाई भी कट कर ली स्लीव्स। अब हम क्या करेंगे, हमारा लाइनिंग पीस है ना अस्तर वाला कपड़ा, उसके उसको कट करना है, तो कपड़े को डबल फोल्ड करके बिछाना है और इस आस्तीन को उस पर आप इस टाइप से खोलकर बिछा लीजिए, है ना, और यहाँ से आपको एक इंच इतना बढ़ाकर रखना है, कितना, एक इंच इतना, ठीक है। अब आप यहाँ से इसको कट कर लीजिए बिल्कुल बराबर, यहाँ से बिल्कुल भी बढ़ाकर नहीं लेना है आपको साइडों से भी, बस हमको है ना नीचे की साइड से एक इंच बढ़ाकर लेना है क्योंकि जब हम इस पार्ट्स को ज्वाइंट करेंगे तब हमारा सिलाई के लिए कपड़ा जैसा चाहिएगा। इसको आप कट कर लीजिए, मैंने इसको कट कर लिया है लेकिन मैं आपको तरीका बता रही हूँ कि कैसे कट किया है, तो इसकी कटिंग कर लीजिए। उसके बाद आप क्या करिए, ये वाला जो है ना ये वाला पीस इसको आप पेपर कैनवास के ऊपर रखिए, हमको पेपर कैनवास को इस टाइप से डबल फोल्ड करना है, कितने इंच पर, चार इंच पर, क्योंकि हमने चार इंच का ही ये कट किया है, आप पेपर कैनवास को चार इंच पर इस टाइप से डबल फोल्ड कर लीजिए और ये जो पट्टी है ना इसको आप इसके ऊपर ऐसे रखिए और बिल्कुल इसी के बराबर ऐसे मार्किंग कर लीजिए दोनों साइड से भी ऐसे, और यहां से आप कट कर लीजिए, है ना, बिल्कुल इस वाली पट्टी को बिल्कुल भी बढ़ाकर नहीं लेना है, जैसे भी हम जो हमारी जितनी बड़ी ये वाली पट्टी है ना हमने पेपर की कटिंग की है ना वही इसी टाइप से हमने डबल फोल्ड करके बिछाया है क्योंकि हम दो स्लीव्स रेडी करेंगे, इसलिए हमको दो पट्टियां कट कर लेनी है पेपर कैनवास की इसी पट्टी के बराबर, और यहाँ से एक इंच बढ़ाकर कट कर दिया है तो ये हमारा एक इंच बढ़ाकर कट करना है। उसके बाद हमने ये वाली जो पट्टी है ना इसी के बराबर हमने पेपर कैनवास की पट्टियां कट कर ली, या हम दो स्लीव से बनाएंगे, मैं आपको बस एक स्लीव से रेडी करके बताऊंगी, आप उसी टाइप से दोनों स्लीव से बनाइए, ठीक है ना। तो हमने यह इस टाइप से दो पट्टियां भी कट कर ली इसको रख के पेपर कैनवास की। तो हमने अब क्या किया है कि जो हमारा मेन फैब्रिक था ना ये वाला, तो हमने इसको भी कट कर लिया है इस लाइनिंग के बराबर ही, हल्का हल्का सा बढ़ाकर रखा है
इस टाइप। और ये हमारे जो बॉर्डर निकली थी साड़ी में से, हमने इसके दो पार्ट से कर लिए हैं और एक पार्ट से तो यह है और एक से हम दूसरी स्लीव से रेडी करेंगे। तो हम इससे तो ये नीचे वाली बॉर्डर रेडी करेंगे पेपर कैनवास को लगाकर, है ना। अब हम क्या करेंगे, यह पेपर कैनवास है ना, इसको हम अस्तर के कपड़े पर चिपकाएंगे। अब हमने इस पट्टी को स्ट्रैप से बिछा दिया है और ये पेपर कैनवास की जो शाइनिंग वाली साइड रहेगी ना, इसको हमको इधर अंदर की साइड कपड़े की साइड रखना है, तभी चिपकेगा पेपर कैनवास। इस पट्टी को ऐसे रखिए हाफ हाफ इंच दोनों साइड बढ़ाकर और यहाँ से हम इसको चिपका लेंगे। इस बॉर्डर को हमने सीधी साइड रखना है ऊपर की साइड और इस पट्टी को ऐसे इस बॉर्डर के ऊपर रखेंगे हम और यहाँ पर दोनों साइड इस पेपर कैनवास के पास पास सिलाई चला लेंगे। पेपर कैनवास के बिल्कुल जस्ट पास पास सिलाई चलानी है। अब हम इस साइड भी पेपर कैनवास के पास पास सिलाई चला लेंगे। हमने इस पट्टी को फोल्ड कर लिया है। अब हम इस पट्टी पर प्रेस चला लेंगे जिससे अच्छे से सेट हो जाएगी। अभी इस स्लीव्स का ये वाला ऊपर वाला पार्ट से ना, इस पर हम साइड में सिलाई चला लेंगे। अभी आपको यहाँ पर फोल्ड नहीं करना है, बस ऐसे ही सीधे पर सिलाई चलानी है। सीधी वाली साइड हमने इस साइड रखी है। अब हमने ये वाला जब पीस कट किया था तब हमने इसको 1 इंच इतना एक्स्ट्रा बड़ा कर लिया था, तो अब हम इस पर सीधी साइड में 1 इंच पर मार्किंग कर देंगे और यहाँ पर हमें एक सीधी लाइन कर लेंगे इस टाइप से। अब हमने जो ये पट्टी रेडी की है ना, इसको हमको ये जो हमारा पेपर कैनवास दिख रहा है ना, यहाँ से हम इसको इस टाइप से इसी शेप में कट कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा का है वो ये पेपर कैनवास दिखेगा उल्टी साइड में, तो इसको हम इस टाइप से कट कर लेंगे। अब हम इस पट्टी को ये जो हमने मार्किंग की है इसके ऊपर रखेंगे इस टाइप से और यहाँ पर हम सिलाई चला लेंगे। बिल्कुल लाइन के ऊपर सेट करते जाना है और सिलाई चला लेनी है। अब हम क्या करेंगे, स्लीव्स को इस टाइप से डबल फोल्ड करेंगे, बिल्कुल यहां से बराबर रखना है हमको और ये जो भी साइड में एक्स्ट्रा का है ना, इसको हम कट कर देंगे। इसलिए यहां पर हमने प्रेस चला ली है जिसपे हमारी सेंटर पर इस टाइप से लाइन बन गई है ना। हमने ये कड़क पेपर लिया है, इसको बीच सेंटर में से हमको इस टाइप से डबल फोल्ड कर लेना है। ऐसे डबल फोल्ड करने के बाद जो ये पैक साइड है ना, इस साइड एक निशान लगाना है 5 इंच पर और इसकी चौड़ाई में निशान लगाना है हमको 2.5 इंच पर। पैक साइड हमने 5 इंच पर निशान लगाया है और इधर चौड़ाई में लगाया है 2.5 इंच पर। और फिर यहां से इस टाइप से एक चौकोर बॉक्स बना लिया है, इन दोनों लाइनों को मिला दिया है इस टाइप से। बॉक्स बनाने के बाद हम इसमें डिजाइन का शेप बना लेंगे। तो हमको इस टाइप से शेप बना लेना है। लगभग हमारा 1.5 इंच पर बना है ये शेप। आप भी इसी टाइप से शेप बनाकर उसको कट कर लीजिए। तो ये देखिए हमने ये शेप कट कर लिया है और ये हमारा ये शेप इस टाइप से रेडी हो गया है। अब हमने ये पेपर कैनवास का एक पीस लिया है और इसको इस टाइप से हम डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद ये जो पैक वाली साइड है ना, इस शेप को इस टाइप से रखना है कि इस शेप की पैक वाली साइड भी पेपर कैनवास के पैक भाग की तरफ रख देना है इस टाइप से। और यहां से आप ऊपर से 1 इंच इतना एक्स्ट्रा बढ़ाकर रखिए। और अब हम इस शेप की साइड में इस टाइप से पेन से मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग कर ली है हमने। अब हमने यहां पर 1.5 इंच पर एक मार्किंग और करनी है इस शेप के बाहर की साइड में। तो आप पूरे पर इस टाइप से निशान लगाते जाइए।
और अब इन निशानों को गहरा कर लीजिए। अब हम पहले बार वाले निशान को कट करेंगे। इसी टाइप से जो अंदर वाला निशान है इसको भी हम कट कर लेंगे। यह हमारा शेप इस टाइप से रेडी होगा, ये देखिए इस टाइप से। अब हम इसको लाइनिंग के ऊपर चिपकाते हैं। लाइनिंग के ऊपर रखेंगे हम इस शेप को। शाइनिंग वाली साइड नीचे की साइड रखनी है और साइड से हल्का सा बढ़ा कर लेना है इसका, और नीचे से भी हल्का सा बढ़ा कर रखना है, और अब हम इसको चिपका लेंगे। चिपकाने के बाद हम हाफ इंच इतना एक्स्ट्रा बढ़ाकर रखेंगे और साइड से कट कर देंगे। अब हमने जो साइड में एक्स्ट्रा बढ़ाकर लिया है इसको फोल्ड करके जाएंगे, उस पर सिलाई चला लेंगे। यहां से इस टाइप से कॉर्नर बना देंगे, ऐसे मोड़ना है यहां से। अब हम इस शेप को भी इस टाइप से डबल फोल्ड करेंगे यहां से बीच सेंटर में से, और इसके बीच सेंटर पर हम इस टाइप से एक लाइनिंग कर लेंगे। अब हमने जो स्लीव से रेडी की है ना, इस शेप को हमने इस टाइप से रखना है स्लीव के ऊपर। ये वाले बीच वाली जो लाइनिंग है ना, हमने प्रेस से लाइन बना रखी है ना, आप चाहो तो यहाँ पर इसको चौक से भी गहरा कर सकते हो। ये जो हमने स्लीव रेडी कर रखी है ना, यहां से हमको एक 2 इंच पर एक निशान लगाना है इसे। अब हमने क्या करना है कि इसको भी गहरा कर सकते हो, प्रेस लाइनिंग कर रखी है। ये जो हमारा कॉर्नर है ना, इस शेप का जो कॉर्नर, ये हमने जहां पर निशान लगाया है ना वहां पर आना चाहिए बिल्कुल, ये इस टाइप से सेट करना है, और इसको बिल्कुल लाइनिंग के ऊपर सीधा रखना है ऐसे। और यहां पर हम पिन लगा देंगे, और अब हम यहां से सिलाई चलाना स्टार्ट करेंगे इस पूरे शेप में। पेपर कैनवास के बिल्कुल पास पास सिलाई चलाते जाना है। यहां से हम घुमा लेंगे और इस शेप में आपको फुट को उठा उठा कर सिलाई चलानी है। तो हमने सिलाई चला ली है, बैक साइड से ये सिलाई इस टाइप से दिखेगी हमारी। अब हम क्या करेंगे, यहां से हम इसको अंदर की साइड से कट कर लेंगे, हाफ इंच इतना एक्स्ट्रा बढ़ाकर रखेंगे और बाकी सभी को कट कर लेंगे। सेंटर पर यहां पर कट से लगा देंगे, सिलाई नहीं कटनी चाहिए, और इसी टाइप से हम गोलाई में भी हल्के हल्के से कट लगा देंगे जिससे यह आसानी से फोल्ड हो जाएगा। कट से लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको इस टाइप से फोल्ड करेंगे और यहां पर इस पट्टी के ऊपर एक सिलाई चलाते जाएंगे। यहां से आप ध्यान से देखिए, इस टाइप से करना है आपको, ऐसे घुमाना है इसको ऐसे। यहां से मोड़कर इधर भी सिलाई चला लेंगे। हमने इस पर सिलाई चला ली है पट्टी को, अब हम अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और इस पर अच्छे से प्रेस चला लेंगे तो यह और अच्छे से सेट हो जाएगा। प्रेस चलाने के बाद ये जो दोनों साइड एक्स्ट्रा कैनवास की पट्टियां हैं इनको हम कट कर देंगे। इस टाइप से शेप रेडी हो जाएगा। अब हमने एक नेट की इस टाइप से एक पट्टी कट करनी है, लंबाई में आपको 28 इंच 8 इंच 8 इंच चौड़ाई की और 28 इंच लंबाई की पट्टी कट कर ली है। अब इस पट्टी में हम शल डालेंगे, तो हाफ हाफ इंच के इस टाइप से आपको इस पूरी पट्टी में शल डालने हैं, और सारे शल आपको एक जैसे ही डालने हैं, मतलब सभी शल की साइज एक जैसी होनी चाहिए, बड़े या छोटे नहीं डालने हैं, तभी डिजाइन अच्छे से रेडी होगी। इस टाइप से एक एक शल को हमने सेट करके जाना है, और कपड़ा सभी शल में बराबर लेना है।
देखिए इस टाइप से आपको पूरी पट्टी में शल डाल लेने हैं। इस साइड भी हम शल डालेंगे अपोजिट साइड में, ठीक है ना। जैसे इन शल की जो यह जो पेक वाली साइड है, इन शल की मुंह इधर की साइड है, तो हम इधर की साइड शल डालेंगे ना, तो उनके मुंह हमारी तरफ रहने चाहिए। मतलब दोनों शल को ना एक साइड में नहीं डालना है। तो हम यहाँ से शल डालना स्टार्ट करेंगे, जिधर इतनी जिधर गेप है उतनी ही आप इधर भी गेप रखिए। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले शल को ऐसे सेट करेंगे इस टाइप से, ठीक है ना। और अब यहां से हम इसको हमारी साइड रखेंगे इसका मुंह, और यहां पर हम सिलाई चला देंगे। पट्टी पर पूरी पर इस टाइप से शल डालिए है। अब हमने एक पेपर लेना है और पेपर के ऊपर इस शल डाली हुई पट्टी को अटैच कर देना है दोनों साइड सिलाई चलाकर। अब हम इस साइड भी सिलाई चला लेंगे, लेकिन इस साइड सिलाई चलाते टाइम हमको बिल्कुल इसको ऐसे खींचकर टाइट रखना है, लूज नहीं छोड़ना है, बिल्कुल टाइट रखना है। खींचकर रखना है आपको, लूज नहीं रखना है इनको। देखिए इनको हमने पट्टी के ऊपर अटैच कर लिया है। हमने जो अभी स्लीव्स रेडी की थी ना, उसको इसके ऊपर ऐसे सेट करना है यहाँ पर इस टाइप से। तो अभी क्या है कि हमको यहाँ से भी नीचे की साइड से भी इसको बड़ा कर रखना है, और ऊपर की साइड से भी हमारा बढ़कर रहेगा। तो हम यहाँ पर पहले इसको सेट कर लेते हैं। उससे पहले हम एक सिलाई और इस जगह पर लगा लेंगे, क्योंकि हमारा ये काफी बढ़ रहा है, तो हमको यहाँ पर बीच में एक सिलाई और लगानी है। एक सिलाई और चला ली है, और अब हम यहाँ पर नीचे की साइड भी आपको इस टाइप से बढ़ाकर रखना है और पिन लगाकर सेट कर लेंगे। अब हम इस पर सिलाई चला लेंगे। सिलाई अभी आपको बड़ी चाका करके चलानी है, क्योंकि बाद में हम इस सिलाई को निकाल देंगे। और इस शेप को हम इस टाइप से रखेंगे यहाँ पर। इस शेप को बिल्कुल बराबर रखना है आपको। और अब हम यहाँ पर चौक से मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद हम इसी मार्किंग पर भी सिलाई चला देंगे। मार्किंग से थोड़ा हल्का सा अंदर की साइड में सिलाई चलानी है। ये वहां से इसको कट कर देंगे। ये जो पेपर है इसको भी निकाल देंगे। पेपर के को निकालने के बाद हम जो एक्स्ट्रा नेट है ना, इसको हल्का हल्का सा बढ़ाकर रखेंगे और यहां से कट कर देंगे। अब ये जो नेट है ना, इसको हम इस पट्टी के अंदर इस टाइप से फोल्ड करेंगे और इस पर सिलाई चला लेंगे। तो देखिए हमने नेट को भी अंदर की साइड में इस टाइप से फोल्ड कर दिया है। अगर आपके एक्स्ट्रा नेट है ना, तो आप उसको भी इस टाइप से कट कर लीजिए, ताकि ये फोल्ड होने में दिक्कत नहीं आएगी अंदर की साइड। तो ये हमारा पीछे की साइड से भी फिनिशिंग से रेडी हो जाएगा। अब हम यहाँ पर एक सिलाई चला देंगे, बिल्कुल इसकी किनार किनार पर बिल्कुल पास पास फिनिशिंग से सिलाई चलानी है इसी शेप में। हमारी कटिंग की हुई पट्टी है ना, आप इसको अंदर की साइड में फोल्ड करिए और इस पर आप तुरपाई कर लीजिए, ताकि हमारी स्लीव्स पीछे की साइड से भी फिनिशिंग से रेडी होगी। यहाँ पर आप तुरपाई कर लीजिए और हम यहाँ पर भी तुरपाई करेंगे इस साइड, और यहाँ पर दोनों साइड हम तुरपाई कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर भी तुरपाई लगा ली है और इसमें भी तुरपाई लगा ली है। तुरपाई लगाने से हमारा अंदर की साइड से भी फिनिशिंग से रेडी होगा, और सारी सिलाइयां भी निकाल ली है। अब हम इस पर मोती लगाएंगे। मोती लगाने से पहले हम इस पर फिटिंग की मार्किंग करेंगे,
क्योंकि जब हम ब्लाउज में फिटिंग डालेंगे, अगर हम पूरे पर मोती लगा लेंगे तो फिर हमारे फिटिंग डालने में दिक्कत आएगी। इसलिए आप इसको इस टाइप से डबल फोल्ड करिए स्लीव्स को, हमारे जो भी हाथ की गोलाई है उसका हाफ करके यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। तो हमारे फिटिंग का नाप है 5 इंच, तो हम यहाँ पर 4.5 पर ही मार्किंग करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर फिटिंग डालेंगे तब हमारे अगर यहाँ तक मोती लगा देंगे तो हमारे सिलाई लगाने में नहीं आएगी, सिलाई चलाने में दिक्कत आएगी। इसलिए हम यहाँ पर 4.5 इंच तक ही मोती अटैच करेंगे। इसी टाइप से हम यहाँ पर भी 4.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और यहाँ पर हम ऊपर की साइड में 5 इंच पर करेंगे। इस टाइप से यहाँ पर हम 5 इंच पर मार्किंग करेंगे। तो हमने दोनों साइड मार्किंग कर ली है। अब यहाँ पर और इस डिजाइन में हम मोती लगाएंगे। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको मोती लगाना। देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास यह मोती वाली लेस है, तो हम यहाँ से यह कट करके मोती निकाल लेंगे। इस टाइप से मैंने लेस में से मोती निकाल लिए हैं। आपको अगर इससे थोड़ी छोटी साइज के लगाने हैं तो आप वह भी लगा सकते हैं। हम इसमें मीडियम साइज के मोती लगाएंगे। जब हम सिलाई चलाएंगे तो हमारे सिलाई चलाने में दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए हम पहले यहाँ पर 1/2 इंच इतना दोनों साइड सिलाई के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यह सुई में 4 फोल्ड करके धागा डाल लिया है और यहाँ पर हम गांठ लगा देंगे। हमने निशान लगाया है, वहां से हमको सुई को जो हमारी सिलाई चलाई हुई है इस सिलाई के ऊपर की साइड में निकालना है इस टाइप से। अब हम 2 मोती डालेंगे सुई के अंदर और यहां से जो हमारे ये जो दो मोती है ना, जितनी गैप कंप्लीट कर रहे हैं उतना रखना है हमको और फिर जस्ट इसके पास से सुई को पीछे की साइड में निकालना है इसे। अब हम क्या करेंगे, वापस से ये जो हमारी सुई है ना, इसको इन दोनों मोती के बीच में निकालना है। और अब इस वापस से ये सेकंड वाला जो मोती है इसके अंदर डालेंगे इस टाइप से। अब हम इसमें 2 मोती और डालेंगे। और जैसे हमने पहले पीछे की साइड में सुई डाली थी उसी टाइप से इन मोती को इनके पास करेंगे और यहां से हम वापस से पीछे की साइड सुई निकालेंगे। सुई निकालने के बाद हमको जो ये सेकंड वाले 2 मोती है ना, ये वाले, इनके बीच में हमको इस सुई को पीछे की साइड से ऊपर निकालना है ऐसे, और इस सेकंड वाले मोती के अंदर डाल देंगे वापस से सुई को इस टाइप से। तो आप इसी टाइप से यहाँ तक लगा लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ तक इसी टाइप से हम मोती अटैच कर लिए है। अब हम यहाँ पर कॉर्नर बनाएंगे, तो आप ध्यान से देखिए 2 मोती डाले हैं मैंने और अब इस कॉर्नर पर हमने इसको इस टाइप से पीछे की साइड में निकाल लिया है। अब हमने फर्स्ट और सेकंड वाले मोती के बीच में वापस से सुई निकालनी है। और ये जो फर्स्ट वाला मोती है इसके अंदर डालना है सुई को और एक बार और इस सुई को यहां पर कॉर्नर पर पीछे की साइड में निकालना है ऐसे। वापस से हम फर्स्ट और सेकंड के अंदर फर्स्ट और सेकंड मोती के बीच में सुई को निकालेंगे और इस मोती के अंदर डाल देंगे इस टाइप से। मोती लगाते टाइम आपको अच्छे से धागे को अच्छा टाइट करके लगाना है, ये लूज नहीं रहने चाहिए, नहीं तो वरना ये शेप में सही से नहीं आएंगे। अब हम 2 मोती डाल लेंगे और यहां से हम इस टाइप से पीछे की साइड में सुई को निकालेंगे। तो ये देखिए हमारा ये कॉर्नर भी बन गया है। अब हम फर्स्ट और सेकंड वाले मोती के बीच में वापस से सुई निकालेंगे और फर्स्ट वाले मोती के अंदर डाल देंगे सुई को। तो इस टाइप से हमारा कॉर्नर भी बन जाएगा।
अब आप यहाँ तक बाकी मोती भी जैसे मैंने बताया आपको उसी टाइप से लगा लीजिए और दो दो मोती ही लगाकर आपको टांगते जाना है, तभी यह फिनिशिंग से रेडी होगा। और इसी टाइप से हमने जो मार्किंग की है यहाँ से स्टार्ट करना है आपको मोती लगाना और इस लाइनिंग के ऊपर यहाँ तक लगाना है और इसी टाइप से हमको यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक लगाना है। तो हमें मोती लगाकर दिखाती हूँ आपको स्लीव्स में। फ्रेंड्स हमने ये मोती लगाकर स्लीव्स को रेडी कर लिया है इस टाइप से और इसी टाइप से हमने एक हथ की ओर स्लीव्स को भी रेडी कर लिया है। अब मैं इन स्लीव्स को आपको ब्लाउज पर अटैच करके दिखाती हूँ। सबसे पहले हम इस स्लीव्स को इस टाइप से डबल फोल्ड करेंगे और सेंटर पर मार्किंग करेंगे। और अब हम जो ये स्लीव्स में एक साइड ये जो छटाई वाला भाग है ना वह हमको इस ब्लाउज में फ्रंट की साइड में रखना है। तो जब हम इस स्लीव्स को इस टाइप से खोलेंगे तो यह हमारी छटाई वाला भाग है, तो यह स्लीव्स इस साइड अटैच होगी तभी हमारा छटाई वाला भाग फ्रंट की साइड में रहेगा। तो हमको क्या करना है, जो सेंटर पॉइंट है ना यहाँ पर रखना है इस टाइप से और यहाँ से हमको सिलाई चलानी है। हाफ इंच इतना सिलाई में लेना है और यहाँ तक हमको स्लीव्स को अटैच कर देना है। और ये जो प्रिंसेस कट की सिलाई है ना इसको हमको नीचे की साइड में रखना है। हमारे स्लीव्स यहाँ तक अटैच हुई है ये देखिए इस टाइप से। तो हमको जो फिटिंग का निशान है ना यहाँ से हमको स्लीव्स को नाप कर देखना है कि हमारे स्लीव्स जो है वह 2.25 इंच इतना बाहर की साइड है इस टाइप से, ठीक है ना। तो हमको जो ये अंदर वाला फिटिंग का ये पीछे की साइड जो फिटिंग का निशान है ना यहाँ पर भी 2.25 इंच मतलब ये स्लीव्स हमारी यहाँ तक आनी चाहिए तभी हमारा फिटिंग लगाने में सही से आएगा। अगर यहाँ से अगर स्लीव्स कम या ज्यादा हुई, मान लीजिए ये स्लीव्स यहीं तक आई तो फिटिंग लगाने में दिक्कत आएगी, इसलिए फिटिंग के निशान से ये स्लीव्स जितनी बाहर की साइड में आ रही है ये लगभग 2.25 इंच इतनी, तो यहाँ पर भी हमारी 2.25 इंच इतनी बाहर की साइड में रहनी चाहिए फिटिंग के निशान से। तो हम इस साइड भी सिलाई चला लेंगे। थोड़ी थोड़ी सी सिलाई चलाकर आपको उठा उठाकर सिलाई चलानी है तब आपकी स्लीव से ज्वाइंट करने में अच्छे से आएगी। और यहाँ पर भी देखिए आप इस टाइप से नाप लेना है कि 2.25 इंच इतनी बाहर की साइड आनी चाहिए फिटिंग से स्लीव की लंबाई। तो हमने स्लीव से ज्वाइंट कर ली है, सीधी साइड से हमारी इस टाइप से दिखेगी। अब हम फिटिंग डालेंगे। जैसे हमने इस साइड ये स्लीव्स को अटैच किया है इस साइड भी आप इसी टाइप से स्लीव्स अटैच कर लीजिए। और अब एक साइड में फिटिंग डालकर दिखा देती हूँ, आप दोनों साइड इसी टाइप से फिटिंग डाल लीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने मार्किंग कर रखी है ना यहाँ पर हम पिन से अटैच करेंगे। बिल्कुल हमको जो निशान लग रहे हैं ना दोनों साइड पिन को इस टाइप से अटैच करना है ताकि वह दोनों साइड निशान के ऊपर रहे। इस टाइप से देखिए हमने पिन लगाया है तो इस साइड भी यह निशान के ऊपर है। अब एक पिन हम यहां पर लगाएंगे, बिल्कुल निशान के ऊपर निकालना है यहां से तभी हमारा ब्लाउज फिटिंग में सही से बैठेगा। एक पिन यहां बीच में लगा देंगे इस टाइप से। तो हमारे यहां पर हम सिलाई चला लेंगे। अब हम इसी टाइप से स्लीव्स को भी सेट करेंगे। स्लीव्स तो हमारी बराबर ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस टाइप से स्लीव्स पर हम पिन अप कर लेंगे और अब हम फिटिंग के निशान लगाएंगे स्लीव्स के ऊपर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक निशान लगाएंगे, 5 इंच की फिटिंग थी हमारी तो हम यहाँ पर 5.25 इंच पर निशान लगाएंगे क्योंकि हमने यहाँ पर मोती लगा रखे है तो इससे हमारी स्लीव्स मोटी हो गई है। और तो अगर जैसे पतली स्लीव्स हो कपड़ा पतला रहता है ना तो फिर फिटिंग में आ जाती है, लेकिन हमने मोती लगाए हैं इसलिए टाइट हो सकती है, इसलिए हमको 2 पॉइंट इतना एक्स्ट्रा बढ़ाकर लेना है। तो 5 की जगह हमने यहाँ पर 5.25 इंच पर मार्किंग की है और यहाँ से शॉर्ट स्लीव्स की फिटिंग का नाप लगाना है हमको 5.5 इंच पर। तो यहाँ से हमने 5.5 इंच पर मार्किंग कर दी है और यहाँ से हम इस टाइप से इसको मिला लेंगे और यहां से हम इसको ऐसे मिलाएंगे।
यहां से हमको ऐसे मिलाना है ऐसे, और यहां से हमको ऐसे। तो हमने स्लीव्स की मार्किंग भी कर ली है। अब हम सिलाई चलाना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे हमने निशान लगाया बिल्कुल उन निशान के ऊपर ही सिलाई चलानी है। इनको निकालते जाएंगे और सिलाई चलाते जाएंगे। अब हम एक सिलाई और चला लेंगे इसी के पास थोड़ी सी दूरी पर, टू पॉइंट इतना दूर हम एक सिलाई और चला लेंगे। तो हमने ये फिटिंग की सिलाई डाली है। इसी टाइप से हम इस साइड भी स्लीव से ज्वाइंट कर लेंगे, और जैसे इधर फिटिंग की सिलाई चलाई है उसी टाइप से हम इधर भी फिटिंग की सिलाई चला लेंगे। तो मैं आपको इस स्लीव को सीधा करके दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे स्लीव्स का फाइनल लुक कुछ इस प्रकार से आएगा, और पहनने के बाद तो ये और भी सुंदर दिखेगी। अगर आपको इस ब्लाउज की पूरी पिक देखनी है और स्लीव्स का लुक पहनने के बाद कैसा आता है वह भी देखना है, तो इसके इंस्टाग्राम पर मैं पोस्ट अपलोड करती रहती हूँ। मैं जितने भी डिजाइनर ब्लाउज बनाती हूँ उनकी सभी की इंस्टाग्राम पर पोस्ट अपलोड करती रहती हूँ। तो गौरी रावल के नाम से मेरा इंस्टाग्राम पर अकाउंट है, तो आप वहाँ पर इसकी पूरी पिक देख सकते हैं। कैसा लगा हमारा आज का डिजाइन कमेंट्स करिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।